18,000 का हुआ है, ठीक है, भागना नहीं यहाँ से। वेलकम टू हैरीज व्लॉग। मुझे पता है 10-15 दिन बाद वीडियो आ रहा है, और इस साल मैंने आपको ऐसे बहुत बार इंट्रोडक्शंस दिए हैं। आई नो बहुत लेट व्लॉग आ रहा है, मैं आपको हर बार बोला हूँ, लेकिन अभी वर्ल्ड कप था, मैं चाहता था कि आप वर्ल्ड कप पे सब बिजी रहोगे। मैं जानता था कि मैक्सिमम टाइम्स आप लोग हाईलाइट्स देखोगे, पता नहीं क्या क्या। सो इसीलिए आज जो है फिर मैंने सोचा कि मैं आज रिलीज करता हूँ वीडियो। एंड अगर व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। इसमें भाई हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर एशिया था वैसे वो, और एयर एशिया को जो है अभी एक महीना पहले कम्प्लीटली एक्वायर किया है। सो आपने जो वो नया लोगो देखा होगा, ऐसा आप लोगों का बहुत क्यूरियोसिटी होगा, खासकर मेरी ऑडियंस को, कि भाई ये क्या नई चीज आई है। हम रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपरली इकोनॉमिक क्लास में, और मैंने कुछ एक VIP पैक लिया है एक्स्ट्रा 1500 रुपए दे के। उसमें मेरी मील्स इंक्लूडेड है और एक्सप्रेस पास भी है उसमें, मतलब मेरा सामान सबसे पहले आएगा मात्र 1500 में, तो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। जो भी लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनसे पर्सनली मिला हूं, और उन्होंने बोला हैरी भाई जब आप खाना दिखाते हो, जैसी भी आपकी लाइफस्टाइल रहती है, उससे हम काफी इंस्पायर होते हैं। और मैक्सिमम लोगों को देखा है मैंने, सब्सक्राइबर्स को, जो कि जिम जरूर जाते हैं, और काफी लोग मुझे एविएशन से देखते हैं, और एविएशन में भी मतलब फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैवल करते वक्त जहां जहां मैं जाता हूँ, तो मतलब सुबह सुबह वर्कआउट या शाम को वर्कआउट करता हूँ। तो भाई एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को पोस्ट वर्कआउट मैं ले लेता हूँ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन, मतलब 25 ग्राम एक स्कूप में मिलता है। और आपको एक बात बताता हूँ, क्या चीज इसको डिफरेंट बनाती है ना सबसे, वो है इसकी प्रो हाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी, जो प्रोटीन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है आपकी बॉडी में, और हर एक हिस्से तक प्रोटीन पहुंचता है, जो आपकी मसल्स लीन मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। सपोज आज आपने बाइसेप मारा, ट्राइसेप मारा या चेस्ट मारा, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक दिन कार्डियो करता हूँ और एक दिन स्ट्रेंथ करता हूँ। सपोज मैंने कार्डियो वाले दिन अपने एब्स किए, तो मतलब एब्स की जो मसल्स होंगी आफ्टर हैविंग दिस प्रोटीन, तो इसकी जो एंजाइम टेक्नोलॉजी प्रॉपरली मसल्स को हिट करती है, एंड जिसमें से रिकवरी बहुत तगड़ी होती है एंड मसल ग्रोथ होती है। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या, इन्फॉर्म्ड चॉइस, UK सर्टिफाइड है ये, तो ट्रस्ट का सवाल ही नहीं उठता। उसके अलावा यहाँ पे देखो सील भी लगी है ट्रस्ट की, जिसको आप स्कैन करके इसकी लैब रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। 11 ग्राम्स EAA मिल जाता है आपको एक स्कूप के अंदर, Amazon Flipkart का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो दुनिया भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही है, तो अगर आप वर्कआउट करते हो और जिम जाते हो, और अगर अपने आपको फिट रखना चाहते हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। टेस्ट और मिक्सेबिलिटी भाई टॉप नॉच है, काफी जेन्युइन प्रोडक्ट है और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सो भाई साहब लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। फाइनली मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट, अब मैं जा रहा हूँ सेक्शन डी में। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करने के लिए, और दिस इज ब्रांड न्यू, उसका लोगो भी जो मैंने बोला डिफरेंट है। तो यहाँ तक भी अगर ब्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एम रखते हैं कुछ 10,000 लाइक का। तो जो टाटा ग्रुप है भाई, उसका एक्सपेंशन चल रहा है बहुत तेजी से, अभी जो है विस्तारा भी है उनके अंडर, तो हाँ वो भी एक्वायर कर लिया। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन, और दिस इज काउंटर नंबर डी। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है ना, ये बी टाउन सिटीज में ज्यादा चलता है। देखो ये है एयर इंडिया के काउंटर्स, देखो वी एक्सप्रेस अहेड वो लिखा है ना। यस, तो एक्सप्रेस अहेड के लिए मैंने 1500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, और मेरी मील्स भी इंक्लूडेड है। अब चलते हैं, इसको चेक इन कराते हैं। ब्रांड न्यू बोर्डिंग पास ऑफ न्यू एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये देखो भाई इनका लोगो, भाई सब कुछ बदल चुका है। इनफैक्ट जो कलर इनको रिप्रेजेंट करता है वो भी बदल दिया, और एयर एशिया का आपको अभी पूरे इंडिया में एयर इंडिया एक्सप्रेस दिखेगा, और कुछ कुछ साल बाद आपको विस्तारा की जगह एयर इंडिया दिखेगा। मतलब पहले जॉइंट वेंचर था एयर एशिया और टाटा का, बट देन सारे शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद जो है ना फिर टाटा सन्स ने इसका नाम बदल के एयर इंडिया एक्सप्रेस कर दिया। मतलब जो ब्रांडिंग थी पहले एयर एशिया की थोड़ी खराब थी, आपको पता है, फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, उनके स्टॉक्स वगैरह सब डाउन थे, बट देन जब टाटा सन्स ने एक्वायर किया, स्टॉक्स
वापस उठ गए। अब भाई टाटा की अपनी ब्रांडिंग है, टाटा का अपना एक क्वालिटी काम है, मील वगैरह इंक्लूडेड है और एक्सप्रेस अहेड करके जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो जैसे जैसे जो नई नई एयरलाइन आती है ना, टर्मिनोलॉजी भी बदलती रहती है। आप सोच रहे हो ना कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर किधर है, दुबई में है और कैलिकट में है। कस्टमर सर्विस वगैरह वर्थ वगैरह दी है यहाँ पे। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया, इंडिया हैव कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू ऑफर यू द बेस्ट वर्ल्ड्स। एयर इंडिया की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, मतलब इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि इनके सारे प्लेन ना रात में मतलब कोई भी एयरपोर्ट में हो डीप क्लीन किया जाता है सारे प्लेन्स को, एंड नेक्स्ट डे मतलब अगेन वो फ्लाई करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गेट्स की तरफ। जो जितनी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स हैं, बोइंग वाले एयरक्राफ्ट हैं ना, उनको इन्होंने जो कोड दिया है वो है IX, और अगर जितने भी एयरबस वाले एयरक्राफ्ट हैं उनको कोड दिया है I5 IX। अगर आपको बोइंग में जाना है तो IX सर्च करना, पता चल जाएगा। जो बोइंग 737 है ना, इट इज द नैरोएस्ट बॉडी एयरक्राफ्ट ऑफ बोइंग। गेट है 30B। फोन चार्ज करते हैं अपना थोड़ा सा। चार्जिंग फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है हमारे इंडिया में। कह रहे हैं कि ये फ्लाइट एयर एशिया का है, बट इसमें लिखा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, I5 लिखा हुआ है इसमें, बट पता नहीं गाइस ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो पहले बोला कि भाई फ्लाइट डिले हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है जाके पता करता हूँ। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे बोर्डिंग पास में लिखा है 3 बजे का डिपार्चर, लेकिन आप कह रहे हो आपका एक्सपेक्टेड डिपार्चर है 2 बजे, वहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ आपने देखा। फिर मैंने पता किया तो कह रहे हैं आपकी फ्लाइट ही डिफरेंट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट डिफरेंट है, अभी कह रहे हैं कि आपकी एयर एशिया की। आप कहीं भी एयर एशिया मेंशन नहीं है, बिकॉज सब कुछ बदल चुका है। बट मैं ढूंढ रहा हूँ कि इधर मेरी फ्लाइट किधर है, I5 768। मेरा गेट नंबर 48 है। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट के टुवर्ड्स में, गलत गेट में था, तो अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 48। भाई A320neo है ये, इतना मिसमैनेज्ड है भाई, मतलब कंफ्यूजिंग भी है। अपने आप बिना बताए गेट भी चेंज कर दिया, मतलब डिस्प्ले हो रहा है 48 और अभी 46 हो गया गेट, कुछ भी चल रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब सारी फ्लाइट्स डिलेड है। तो अभी एक भैया आए, बोलते को रिफंड मिलेगा कि नहीं, पता नहीं उनकी फ्लाइट छूट गई, क्या हुआ या सीट नहीं हुई, पता नहीं कुछ तो हुआ उनके साथ इशू। एयरक्राफ्ट की बहुत शॉर्टेज है फिलहाल, पता नहीं। 220 का था बोर्डिंग, ठीक है, और अभी तक कोई स्टाफ नहीं है। मैंने सैंडविच ले लिया है, बहुत भूख लग रही थी, तो मेरी मील तो बुक है वैसे फ्लाइट में। और अभी मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि आपकी फ्लाइट डिले है। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं गलती से पहले चला गया था उसी वाली फ्लाइट पे, मतलब दूसरे वाले गेट पे चला गया था, लेकिन वो IX 68 मतलब एक नंबर कुछ कंफ्यूजिंग था, एक नंबर पीछे था, तो वो भी डिले थी। फिर मैं गेट नंबर 48 आया, वो फ्लाइट थी टुवर्ड्स लखनऊ और पुणे, वो भी डिले थी और हमारी भी डिले हो गई। अरे तो गाइस ये ना बहुत अलग टाइप का सीन चल रहा है। आपको मैंने बताया ना कि पहले वाली फ्लाइट डिले हो गई, दूसरी फिर डिले, अभी ये कोई श्रीनगर की फ्लाइट होगी, ये कैंसिल कर दी। मतलब 10 मिनट पहले बताया पैसेंजर्स को कि फ्लाइट कैंसिल है, और हंगामा देख लो भाई। और श्रीनगर ऑफकोर्स जाने वाले टूरिस्ट होते हैं, कुछ डिफेंस के लोग होते हैं, क्या चल रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अच्छा एक्सपीरियंस सोच के आया था, बट यहाँ पे हद वाले ऑपरेशन इश्यूज हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में, एयर इंडिया में तो नहीं है, एयर इंडिया इज ऑफ कोर्स ऑन टाइम और वो सब चीज़ें उसने मेंटेन की है, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस देना पड़ेगा सर, हमारा नौकरी का मसला है। जैसे आपको नौकरी चाहिए है, तैयारी अपनी नौकरी, ठीक है ना, हमारे भी बच्चे हैं। तो भाई कह रहे हैं फ्लाइट ही नहीं होगी, हद होती है यार। मैम कह रही हैं कि FIR डालते हैं, हम भी करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे,
पागल समझ सकता है इंडियन पब्लिक को, मैं आपको अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता हूं। नो यू कैन नॉट डू दैट, आई एम यू कैन नॉट सर। अरे हाथ मत लगा भाई, फ्लाइट की बात कर भाई, इसको बोल। भाई मतलब आपको पता है नवंबर में फ्लाइट्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, उसके बाद भी इन्होंने कैंसिल कर दी। 11-12 हज़ार की टिकट्स लोगों ने बुक की। देखो मुझे अभी फिर फोन आ रहा है इंडिया एक्सप्रेस से, आई डोंट नो मे बी एक और बार डिले है। कौन सा एक्सप्रेस है इंडिया का? भाई मेरी फ्लाइट गाइज अभी मुझे कॉल आया, अब 1 घंटा लेट हो गई है। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। वहां से मेरी आगे से भी फ्लाइट है, नॉट श्योर और कितनी लेट होगी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आप कमेंट करके खुद ही बताओ। नहीं नहीं सब डिले हो रही हैं, सब इनकी इनकी सब डिले हो रही हैं, इनकी हो रही है, बाकी सब की बाकी सब जा रही है। इंडिगो तो पहुंच भी गई, 6 बजे की तो फ्लाइट दिखा रही है। तो आपने कितने की फ्लाइट बुक की थी? रिटर्न फ्लाइट 25,000 की इन्होंने बुक की श्रीनगर से। मतलब नॉर्मली फ्लाइट तो 4,000 की मिल जाती है, नॉर्मली 4,000 की मिल जाती है, 25,000 रुपए दिए हैं। और आगे से आपकी बुकिंग भी है क्या? भाई और रिटर्न देने में, पैसे वापस करने में 4-5 दिन लगाएंगे, वो भी सोच लो। ये नहीं है कि इमीडिएट रिफंड आ रहा है, जिन्होंने 15,000 की टिकट ली उनको रिफंड 4 दिन बाद आएगा। पंजीरी है मुंह में भर के फूफा बोल दोगे, और कैच करने का इनको मालूम है, बताइए। जैसे हम सब अछूत खड़े हो, ये सारे रूल मालूम है इनको। जा रही है उसका हो गए VIP, कोई रूल नहीं है ना इस देश में किसी के लिए कि 2 मिनट में 10 मिनट में आप भी कर लो। नहीं नहीं हो सकता ना, तो जितने भी बंदे हैं ना सबके वापस पैसे। गलत बात है। अरे पर हमारा तो हमारा पूरा पैकेज का पैसा चाहिए, हमको पूरा पैकेज का पैसा चाहिए। अरे फ्लाइट का सब एक ही है, श्रीनगर एक ही। ऐसा ना हो यहाँ पे तोड़फोड़ चालू नहीं हो जाए आपके यहाँ। के बंदे बोल रहे हैं वहाँ बेहतर है, वहाँ दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं। मैं वीडियो कॉल करता हूँ एयरपोर्ट में, मेरा भाई वहाँ ड्यूटी है पुलिस। मतलब गाइस एक चीज होती है ना कि फ्लाइट डिले करना, और एक चीज होती है कि फ्लाइट कैंसिल कर देना। मतलब दिस इज लिटरली, आप वो देखो वो रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एंड बिकॉज उनका जाना इतना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। आपके पास में मैं कितनी बजे होगा सर? हमारा भी नौकरी का मसला सर, आप जैसे लोग हमारे भी आपकी मतलब मीडिया के रास्ते से बताया यार। 10 मिनट पहले बताया यार, 10 मिनट पहले बताया यार, 10 मिनट पहले आपको बताना चाहिए था। ये फ्लाइट है I-5741 और भाई इसको कैंसिल ही कर दिया है भाई। बाप रे भाई, सीधा मुंह पे बोल दिया नहीं है नहीं है, और नेक्स्ट फ्लाइट आज है ही नहीं। गाइस ये गलत है यार भाई, ये गलत है सच में।
अभी सिर्फ यहाँ से हटाने के लिए बोल रहे हैं 21st तक कोई फ्लाइट नहीं होगी। आराम से बात करो भैया, आप कुछ कर सकते हो प्लीज, आप अपनी वो करो 18 बुलाओ। और भाई कोई फ्लाइट का करो, हमारा पूरा पैकेज सब पैसा बर्बाद हो रहा है। सो गाइस, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बोर्डिंग पास दे के फ्लाइट कैंसिल, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है एक्सप्रेस में। बोर्डिंग पास दे के फ्लाइट कैंसिल, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए यहाँ पे इतने पैसेंजर, 30 पैसेंजर के लिए आप पूरे दिन खा रहे हो। तो फिर मैं अभी लैपटॉप, मेरी फ्लाइट जो है अभी फिर गेट चेंज हो गया, 51 हो गया। भाई क्या ड्रामा चल रहा है एयरपोर्ट पे, पहले 48 था, 46 हुआ और 51 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी हंगामा चल रहा है और बाकी सारे पैसेंजर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं। कब कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरी एयरलाइन से टाई अप करो, लेकिन इन दैट इज नॉट हैपनिंग। और अभी जितने भी गोवा वाले पैसेंजर्स थे ना, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। और 51 गेट था, अभी यही गेट है हमारा भी, बट पता नहीं भाई, कुछ बैड न्यूज ना दे दें। नहीं होगा, कितना कंट्रोल करें, क्या है ना, हमारे पैसे क्यों लिए, औकात नहीं है फ्लाइट उड़ाने की तो पैसे क्यों लिए। नाइटी बंद कर दो आपकी, आज इतने का सीट नहीं करेगी, कल के लिए या परसों के लिए। बोर्डिंग पास इशू करके सीधा कैंसिल कर दिया। मेरे को अभी कभी रिफंड चाहिए मेरा पैसा, टिकट का रुपया तो 2 मिनट में ले लेता हूँ, जाता है और रिफंड नहीं हो पाता। मेरा अभी कभी पैसा ला, मेरा क्यों नहीं होगा, हम छुट्टी थोड़ी रहते हैं यहाँ पे। पैसा लागे रुपया नहीं है, रविवार पहले गेट किया 46, फिर 48, 51, अभी वापस 46 कर दिया। अभी विस्तारा की फ्लाइट का आ रहा है डिस्प्ले और हमारी फ्लाइट का आ ही नहीं रहा। सास बहू के सीरियल में भी इतना ड्रामा नहीं देखा होगा आपने। अच्छे आदमी बिठवाओ पर, उसको नहीं मालूम पड़ता है तो फिर देखता क्या करेंगे। पैसेंजर खड़ा हो गया कि वो दूसरों को बोर्ड करने नहीं देगा। एक पैसेंजर होगा श्रीनगर फ्लाइट का जिसकी कैंसिल हो गई है, अब गोवा वाली फ्लाइट का भी गेट यहाँ पे है, तो वो खड़ा हो गया कि वो किसी को जाने नहीं देगा दूसरी फ्लाइट के लिए। तो जो ब्लैक टी शर्ट में है ना भैया, उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और किसी को जाने नहीं देंगे। तो भाई पायलट्स भी यहीं खड़े हैं गोवा वाली फ्लाइट के, एंड दे आर नॉट लेटिंग अस गो। वो दीदी कह रही है गोवा की फ्लाइट नहीं जाएगी। भाई ये क्या हो रहा है भाई, रास्ता ही ब्लॉक कर लिया।
भाई गेट चेंज कर रहे हैं, आंटी कह रही है सब वहीं आ जाओ और गोवा वाली फ्लाइट को ब्लॉक कर दो। भाई क्या चल रहा है यार, आप लोगों का आ रहा है, आपको आता है की गाली कौन सुनेगा सर? सर नहीं कह रही है गाइस, वो कह रही है मेरे पीछे आ जाओ गोवा वाले। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, इट इज नॉट इवन प्रॉपरली एक्वायर्ड बाय टाटा राइट नाउ। मतलब ये मैंने पहली बार देखा है एविएशन इंडस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में, कि ऐसा ड्रामा हुआ हो कभी। सो नंबर 42 बोर्डिंग द फ्लाइट और एयर इंडिया की बस है। सो फाइनली एंटरिंग द एयरक्राफ्ट। सो ये है हमारी सीट। पहले ये फ्लाइट एयर एशिया की थी। सीट क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, मतलब प्रॉपर लेदर सीट्स हैं, लेग स्पेस बिल्कुल नहीं दिए। और हमने ना एक्सप्रेस टैग लिया है, मतलब वो हमारा जो बैग है प्रायोरिटी में आना चाहिए। आई होप प्रायोरिटी में आए, देखेंगे वो तो अभी क्या होता है। लेकिन एज एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं देखा फ्लाइट में, मतलब अगर आपको सीट रिक्लाइन करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। आजा आजा ना यूनिफॉर्म, मतलब जो कैबिन क्रू की जो यूनिफॉर्म होती है अभी वो एयर एशिया वाली है। I5 वाली फ्लाइट में एयर एशिया वाली है, IX वाली फ्लाइट में एयर इंडिया एक्सप्रेस वाली है। हेलो हाउ आर यू। और मुझे लग रहा था इनिशियली कि मतलब 2-2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा XL वाली सीट में, लेकिन 3-3 का ही है। ये जो हैंड रेस्ट है ये भी, इसका साइज भी ठीक है। प्रॉब्लम पता ये होती है जब आप इकोनॉमी में ट्रैवल करो ना, ये हैंड रेस्ट एक बंदे के लिए ही होता है, दो के लिए होता नहीं है। Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted, about my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride the Zamboni. I feel like Ohtani, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoke. हमारी मील आ गई है, मैं ना ट्रेन ही मिली, ये हमारा खाना है। ये मैंगो जूस सबको मिल रहा है और पहले एयर एशिया में नहीं मिलता था, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता था, बट अभी ये जूस देना शुरू किया है। कहीं पे भी कुछ ब्रांडिंग नहीं है एयर एशिया की, बट बिकॉज अभी ये चेंज हो गया क्योंकि ट्रेन ही दिया, इसकी वजह से ये देखो ये पूरी स्पून्स गंदी हो चुके हैं और ये जो मेरा ट्रे है ये गंदा हो चुका है। ट्राई करते हैं ये, तो ट्राई करते हैं पहले ये बटर पनीर। बटर पनीर है बहुत टेस्टी नो डाउट। ट्राई करते हैं ये आलू जीरा, दिस इज 8/10, थोड़ा डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन है बढ़िया नो डाउट, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है खाने। ट्राई करते हैं ये डेजर्ट, तो आई थिंक ये कुछ तो हलवा है, किस चीज़ का हलवा है नॉट श्योर बट इट्स गुड। So guys, finally we are in Goa. अभी देखते हैं भाई कि वो अपना सामान वगैरह पहले आता है कि नहीं। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने ये एक्सप्रेस टैग लिया था, सबसे पहले लगेज मेरा आया और किसी का नहीं आया। लेकिन इसके अलावा जो भी एक्सपीरियंस रहा आपने एयरपोर्ट पे देखा, जो क्योस था, जो ड्रामा था, ऐसा पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पूरी एविएशन, मतलब जब से मैं एविएशन वीडियोस बना रहा हूँ मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लोग धरने पे उतर आए थे, प्रोटेस्ट करने उतर आए थे, और बोर्डिंग पास मिलने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल होना पहली बार ही देखा। बट जो भी था आई होप ये बेटर हो सके एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। एंड दिस वॉज एयर इंडिया एक्सप्रेस, या आप कह सकते हो कि ये एयर एशिया था। अभी इसमें एयर इंडिया का उतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि अगर एयर इंडिया या टाटा का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता तो अभी ये सब हाल नहीं होता। सो अभी काफ़ी, मतलब 1-2 महीने ही हुए हैं जब 100% एक्वायर किया है। सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट आई होप ये बेटर हो इन फ्यूचर और ऐसा एक्सपीरियंस किसी को करने को ना मिले और इनफ एयरक्राफ्ट्स हों ताकि सब चीज़ें टाइम पे चल सकें और किसी का नुकसान ना हो और लॉस ना हो। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।